का है। उसके बाबू बताइए बहुत बहुत तो तुम भी आओ खाना है तो आती रहे उसको ऐसे भरना जाता है ये वाले स्वाद दूसरा रहती है। छिया बन गई है हम लोगों की का तो बिल्ली वाला मुंह है। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। तीखा है क्या हुआ? तीखा है। तीखा है हां नहीं बेटा फाइकिन जला से देखो कौन जला से खा के देखो तुम आप बोलिए पहले आप देखो खा के बहुत तीखा है। आपने खाया है क्या? हां कैसे खाया है? छोला से। कैसे? ऐसे दिखाइए खा के एक बार ऐसे खाया आपने? गरम। तो गरम क्यों खा लिया आपने? तीखा है। नहीं बेटा तुम भी खा के देखो। हम खा के देखते हैं। अच्छा हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। और आप लोग तो मैंने पानी लिया आपके लिए मीठा बना दे। हाँ। अच्छा और आज है क्या और अच्छा बना दो मैंने आपका अच्छा बना दे ये किया है ये लो आलू की टिकिया आलू की टिकिया बना दो अच्छी खाए बाबू खा लीजिए तीखा नहीं हो तो ना और ये देखिए बाबू के लिए आज मैंने ऑनलाइन खिलौना मंगाया है। काफी खुश हुई अपने खिलौने को देखकर बहुत ही ज्यादा है ना बाबू। बाबू खुश थी कितनी बता दीजिए एक मिनट अब बताइए कितनी खुश थी बाबू बताइए बहुत बहुत खुश थी। और क्या खा रहा है बाबू? आलू। अच्छा बोलिए अच्छा अभी मिलते हैं आप लोगों से मिलते हैं आप लोगों थोड़ी देर में थोड़ी देर तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में ठीक है। तो गाइस ये देखिए आई हुई है दाल जो है चने की और हम इसको क्या करने जा रहे हैं भिगोने के लिए क्योंकि मम्मी बनाएंगी आज पनगुड्डा और मेरे से बनता नहीं है तो मम्मी आई थी तो मैंने कहा मम्मी बना दीजिए काफ़ी दिन हो गया खाए हुए तो मैंने कहा कि चलो बना देते हैं। तो चल बस सब हम जा रहे हैं भिगाने के लिए और आधी भिगाऊंगी आधी नहीं मम्मी ने बोला कि आधी भिगाओ क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि खाएं कि ना खाएं हमें पसंद है मम्मी को पसंद है पापा को पसंद है और इनका कुछ पता नहीं है। चलिए हम दाल भिगा लेते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में ठीक है। तो गाइस ये देखिए मम्मी क्या बनाने जा रही हैं पनगुड्डा जिसको बोलते हैं हम पनगुड्डा पीस रहे हैं फरा फरा बोलते हैं पनगुड्डा भी तो बोलते हैं ना पनगुड्डा हाँ गांव में पनगुड्डा कहते हैं और यहाँ हम लोग मतलब हम लोग फरा बोलते हैं। अभी मेरी भी आदत हो गई है गांव वाली पनगुड्डा जान गई हूँ मैं भी तो वो बना रही हैं। कल ही आई थी तो मेरा खाने का मन था तबीयत खराब थी मेरी आप लोगों से मिलवाऊंगी अभी थोड़ी देर में। आप लोग बोलते हैं ना कि आपकी सासू माँ नहीं आती नहीं आती तो आ गई हैं और अभी मैं आप लोगों से मिलवा भी दूंगी आप लोग पूछ भी लीजिएगा बात भी कर लीजिएगा। आप लोग बोलते हैं ना ये लोग बोलते हैं कि आपकी सासू माँ बहुत ही अच्छी है जब उसमें देखे थे ना कौन से वाले ब्लॉग में अरे रक्षाबंधन वाले में तब बोल रहे थे आपकी सासू माँ भी बहुत ही अच्छी है आपकी नंद बहुत ही अच्छी है। हाँ भाई मेरी सासू माँ मेरी नंद बहुत आओ खाना है तो आप लोग भी आ जाइए मम्मी जी बुला रही हैं। और मैंने एक बार ही सुबह बोला मैंने कहा मम्मी मेरा खाने का मन कर रहा बहुत दिन हो गया आपके हाथ का खाए और मुझे बनाना भी नहीं आता है तो तुरंत मम्मी मंगाई देवर जी से दाल और तुरंत बोली कि चलो ठीक है भिगा दो शाम को मैं बना दूंगी। और ये जो सील है ना बिल्कुल ही प्लेन हो गई है खराब हो गई मुझे उतना नहीं पता लेकिन फिर भी वो पीस रही है मेरे लिए खिलाने के लिए। और अभी उनके पास टाइम नहीं था गांव में फिर भी आई देखने के लिए जैसे उनको पता चला कि मेरी तबीयत खराब है तो आई उनको टाइम नहीं मिल पाता गाइस इसलिए वो नहीं आ पाती हैं क्योंकि अगर वो खेती नहीं देखेंगी करेंगे नहीं तो उनके बच्चे खाएंगे क्या। तो प्लीज़ आप लोग समझा करिए वो लोग मम्मी प्यार करती हैं हम लोगों से ऐसा नहीं है सबसे करती हैं लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है ना घर में सभी चीज़ों को देखना पड़ता है ना अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो बच्चे उनके खाएंगे क्या दो हाँ भैंस भी देखना पड़ता है उनको फिर अभी फिर भी वो छोड़ के आई हैं सिर्फ मेरे लिए देखने के लिए कि मेरी तबीयत खराब है। और ये अभी मिलाऊंगी आप लोगों से आराम से तब तक मम्मी दाल पीस लें फिर आप लोगों को दिखाऊंगी रेसिपी की कैसी बनाती है और काफ़ी टेस्टी बनती है मम्मी की हाथ की आप लोगों को भी खाना आ जाइए मम्मी ने तो बुला ही लिया आप लोगों को है ना। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं ठीक है।
ऐसे भरना जाता है जैसे गुजिया बनती है ना, गुजिया वो मां से बनती है। मतलब भरने का तरीका वैसे ही है गुजिया वाला। उसे बनाया जाता है, इसमें मिर्चा है और लहसुन है, नमक है, सब मिला लिया। मिला के ऐसे ऐसे करके दाब दिया। काफी टेस्टी बनता है, इसको छोक भी सकते हो आप। अभी छोकूंगी मैं इसके उमा से, फिर जीजा से तेल से छोक दे, छोटा छोटा पीस करके दो पीस, एक ठैया में दो पीस बनाओ, बना के फिर कंचन तो मट्ठा के साथ बहुत खाती है मट्ठा ना, लेकिन मुझे सूखा ही अच्छा लगता है, मैं इसे खा लेती हूँ। निकल जाता है ना। ये सिरका के साथ बहुत अच्छा लगता है। सिरका आदमी खाते है बिहार में, खाने देखने में। बड़ी वाली दीदी गई थी ना, फिर का दो तीन दिन बना के खिलावा है दाल भारी पूरी। कौन बड़ी वाली? पप्पू दूल्हे। अच्छा भाभी। सिल नहीं है मम्मी, सिल वाले के स्वाद की बात अलग रहती है, मिक्सी वाले में स्वाद नहीं आता है। ओ मां नहीं ठीक होता है। अब ये मां जैसे पकौड़ी बनावे उनकी दाल तो भी है वो पीस के बनावे तो मां की स्वाद दूसरा रहती है। ये जो मिक्सी में पीसी जाती है मां की स्वाद दूसरा रहती है। ये मिक्सी वाला हमको नहीं पसंद रहा। मम्मी भी मेरी नहीं खाती, सोनम पीस के देती उनको। यार अगर कोई नहीं पीसेगा तो कहेंगे हम अपने से पीस लेंगे, ना पीसो, मेरे से तो बनता नहीं है। दीदी पीस लेती, अब तो दीदी बैठ नहीं पाती नीचे। सोनम पीसती है, पूनम पीसेगी नहीं। जब वो नहीं पीसेगी तो कहेंगे कि मैं पीस लूंगी। को मम्मी तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से गुजिया बन गई है हम लोगों की। गुजिया ही है और मम्मी ने तो वैसे आपको बता दी। चाचा को नहीं मिलेगा, चाचा तो नहीं है आपके। एक दीदी की है, एक चाचा की है, एक आपकी है, एक दादी की है, एक पापा की है, एक पापा। तो ये बन गया, इसको अब हम डालेंगे पानी में। पानी चढ़ चुका है, जब गर्म हो जाएगा ना मम्मी। हाँ गर्म हो जाएगा, उसमें तेल डालेंगे, तेल डालेंगे फिर उसके बाद चिपकेगा नहीं आपस में, फिर इसी तरीके से बना देंगे। तो चलिए जब ये बन जाता है पूरा, बस सभी को इसी तरीके से बनाना, और जब पानी में डालेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। सो गाइस ये देखिए सारे पन यानी कि फरे बन चुके हैं और पानी अच्छे से पक चुका है, तो मैं इसमें सारे जो फरे हैं दाल वाले वो अच्छे से डाल रही हूँ। और इसके इसको धीमी आंच करके मैं पका लूँगी। जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना, जब मैं आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसको थोड़ा सा स्लो कर देना और अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद फिर मैं आप लोगों से आराम से थोड़ी देर से मिलती हूँ, तब तक ये अच्छे से पक रहा है ना। हेलो बाबू, क्या खेल रही हो? चलो आओ, हमारा बाबू हमसे खेली। चलो बाबू तुम करो, हमने करो। चलो चलो बोलो बोलो बोलो, कोई भी बोल दो। अब फिर इधर का मुकर बाबू मेरे पास, मेरी कर नहीं तुम्हारी तरफ चिंता। हाँ देखो ऐसे करो, देखो चलिए बिरा लिया कुत्ता कुत्ता। क्या खेल रही हो मेरा बाबू? बाबू बाबू क्या खेल रही हो? दादी कुछ आपसे बताए। दीदी के लाश लमालना, दीदी है ना, दीदी है। बाबू कौन है आपकी? बाबू कौन आया है? बाबू दादी आई है। दिल्ली वाला मुँह है।
अरे बिल्ली वाला मुंह है भाई इनका, तो बिल्ली वाला मुंह है। तो जब तक हमारा पनबुड्डा बन रहा था तब तक बाबू और मम्मी की मस्ती तो आप लोगों ने देख ही ली। और यहाँ पर मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी ना, तो इसलिए फ़ोन मेरे पास नहीं था, तो मैं आधी रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखा पाई। यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल डाला था, फिर जीरा, और इसके बाद प्याज मिर्ची। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। साइड में मैं जो फरा था ना उसको छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी लाल मिर्च हल्की सी, देख रहे आप नाम मात्र, बस ज़रा सा और कुछ भी नहीं। और इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि इससे जो है ना मेरे मसाले जलते नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप पानी डाल दो ना तो आपके मसाले जलते नहीं, अगर आप ऐसे ही पकाओ ना तो वो हल्के हल्के से उनमें जली जली सी खुशबू आने लगती है, जो मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बस इसको हम इस तरीके से चला लेंगे, 2 मिनट तक ढक कर बिल्कुल स्लो कर देंगे गैस, और फटाफट से हमारा फ्राई पनबुड्डा यानी कि फरा रेडी है। और इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस अभी बन चुके हैं 9 और अब हम करने जा रहे हैं हमारे ब्लॉग का एंड, क्योंकि क्या है कि एडिटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और भी वीडियो मुझे आज के आज ही अपलोड करनी रहती है, जिससे कल आप लोगों तक टाइम से पहुंच सके। क्योंकि दूसरे दिन हमारा क्या होता है, बिजी जाता है। सुबह जब आप मॉर्निंग में उठ जाओ तो आपको ये करना वो करना, आप एडिटिंग कैसे करोगे, अपलोडिंग कैसे करोगे, तो इसलिए मैं रात में सब कुछ कर लेती हूँ। तो अभी आपको पता ही है कि मम्मी भी आई हुई है, खाना पीना फिर खाना। तो अभी जैसे कि हमारे यहाँ बना हुआ है क्या पनबुड्डा, जिसको हम फरा बोलते हैं, वो तो बस वही खाया जाएगा खाने में। तो इसके बाद फिर मैं एडिटिंग करने बैठ जाऊँगी, जिसमें मुझे बच जाएगा एक, एडिटिंग करके अपलोडिंग लगाऊंगी, सब कुछ करूँगी, थंबनेल बनाऊँगी, क्योंकि कल जो है ना आप लोगों को 12 से 1 के अंदर वीडियो जानी ही जानी है। तो मेरा टाइम यही है 12 से 1 का मेरा टाइम है, जैसा कि आप सभी को पता है। और मम्मी और ये अंदर मूवी देख रहे हैं, अंधेरा है वरना आप लोगों को दिखाती। और मिलवाऊंगी मम्मी से, आप लोगों से मैंने बोला था कि मम्मी को मिलवाना है, लेकिन अभी नहीं मिलवा पाई। मैं वेट कर रही थी कि मूवी ख़त्म हो, और मम्मी है कि अगर पुरानी मूवी दे रही है, पुरानी पिक्चर दे रही है, तो उसके सामने जम गई हैं, अब उनको उठना है नहीं, उसी को देखना है। तो उसी को देख रही हूँ, और देखते देखते मुझे नहीं लगता कि मैं मिलवा पाऊँगी, कि अब मिलने से रही नहीं। तो कल के ब्लॉग में ही मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी। मम्मी जी को तो आप लोग देख ही चुके हो, कई बार देख चुके हो, कल मैं आप लोगों से अच्छे से मिलवाऊँगी। और वो इतनी दूर से मुझसे मिलने आई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसी आधी बीमारी तो मेरी वैसी भाग गई मम्मी जी को देखकर। तो अच्छा लगता है जब कोई आपका अपना आता है आपके पास मिलने। तो बस आज हम करते हैं हमारे ब्लॉग का एंड और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।